गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे सब लोग? हम गुडविल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपना एक पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि ये पॉइंट का मतलब क्या है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्या है। ये पॉइंट हम जो भी पीछे पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो अपने वो ये पढ़ना पड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अपन करते हैं। हमने पढ़ा था बेटा एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ, पढ़ा था इसके बारे में। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। ये हमने कैसे निकाला था बेटा? ये हमने कहा था ईयर वन का प्रॉफिट ये है, ईयर टू का प्रॉफिट ये है, फिर थ्री फोर ऐसे करके हमने प्रॉफिट लिया था, और हमने 4-5 साल का जो भी प्रॉफिट था उसका हमने एवरेज कर दिया था दो तरीके से, या तो सिंपल एवरेज किया था या तो वेटेड एवरेज, यानी कि या तो अपने सामान्य औसत किया होगा या तो अपने क्या होगा भारित औसत निकाला होगा इसका, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ने काम किया था। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए ये है 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, ये मान लीजिए आपका है 2 लाख का प्रॉफिट, ये 2.5 लाख का प्रॉफिट है, और ये 1.5 लाख का प्रॉफिट है। हम एवरेज प्रॉफिट क्यों लेते हैं, औसत लाभ क्यों लेते हैं बेटा? एक तो अपना सामान्य लाभ होता है और एक क्या लेते हैं, औसत लाभ। औसत लाभ का मतलब क्या है कि बिजनेस में हम लगभग कितना कमा रहे हैं, यही तो ना, बिजनेस में लगभग कितना कमा रहे हैं जिसका भविष्य में रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम गुडविल की क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना गुडविल के बारे में, तो हमने पीछे यही तो सब पढ़ा है, ठीक है, ये सब पढ़ा है अपन ने। तो एवरेज प्रॉफिट अपन उठा करके लेते हैं कि बिजनेस से मैं लगभग इतना प्रॉफिट कमाता हूँ, वही अपना गुडविल का कैलकुलेशन होता है, और अपन उसका भविष्य में रेपुटेशन की बात करते हैं। अब मेरी बात सुना ध्यान से ज़रा, प्रॉफिट कौन सा? बिजनेस वाला प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस वाला प्रॉफिट जो सामान्य लेन देन से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सामान्य लेन देन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य लेन देन का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लूँ तो मानो मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो भाई मैं प्रॉफिट कौन से वाले की बात करूँगा, कपड़ा खरीद के बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, अगर बीच बीच में मैंने कभी एक फिक्स असेट बेच दी, लाइक मैंने बिल्डिंग बेच दी, मैंने बीच में मशीन बेच दी, उससे मुझे कोई प्रॉफिट लॉस हो गया। अब वो बिजनेस की मशीन, बिजनेस की बिल्डिंग है, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस भी तो यहीं पे शामिल करेंगे, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस को भविष्य में रिपीट होने के कोई चांस है क्या? नहीं, ऐसा तो ना कि बार बार बिल्डिंग बेचते रहोगे, बार बार मशीन बेचते रहोगे, नहीं करोगे आप ऐसा, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसी अनहोनी हो गई, मतलब इस बार आग लग गई, ठीक है ना, जैसे कुछ लोग हैं बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे गोदाम में और वहीं पर फेंक दी और लग गई आग, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार आग लगेगी, अब अगले साल नहीं लगी तो भाई पिछले साल लगी थी, इस बार नहीं लगी तो लगा दो, नहीं ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिंपल कि जो सामान्य लेन देन है आपका, जिस टाइप का बिजनेस है, जिस आइटम का बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है ना, उसी के अंदर होने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस की बात मैं करूँगा। तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि फिर जब अपना एवरेज प्रॉफिट निकालते, सामान्य प्रॉफिट लेना चाहिए, अगर कुछ ऐसा वैसा इसमें शामिल है या कुछ है तो उसको हटा दीजिए, बहुत आसान पॉइंट है, बहुत आसान, उसको हटा दीजिए। इसके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला दे करके मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता, पहले अपन एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या होना चाहिए, उसके बाद में आपको फॉर्मूला दूंगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देखिए ज़रा, 3 साल के क्रय के आधार पर, अब इस लाइन का मतलब तो पता है ना आपको, 3 साल के क्रय के आधार पर, मतलब जो भी गुडविल मैंने निकाली उसके 3 साल तक रिपीट होने के चांसेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना सिंपल। आधार पर पिछले 4 साल के औसत लाभ से ख्याति की गणना करो। बोलते हैं पिछले 4 साल का प्रॉफिट मैंने आपको दे रखा है, उसका एवरेज निकालो, और एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा, यही तो फॉर्मूला था अपना, ठीक है सर, बिल्कुल यही था 4 साल। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना ज़रा, ईयर वन का प्रॉफिट कितना है, 2009 का प्रॉफिट कितना है, 16,000 है, ठीक बात, 16,000 का प्रॉफिट है।
ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है कि 2009 में मैंने एक बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग नहीं, भूमि लैंड की बिक्री की थी, उसके ऊपर लाभ हुआ था मुझे कितने का, 6000 रुपये का, जो कि शामिल है किस में, 16000 रुपये में शामिल है। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी आसान सी बात है कि भाई हमने टोटल प्रॉफिट 16 का कमाया, इसमें 6000 का तो एक ज़मीन बेचने से आ गया था। तो मुझे बताओ आपका जो भी आइटम का बिजनेस है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल सेट कर लो, फर्नीचर का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप सोच के चलिए ना ज़रा कि भाई 16 में से 6000 तो भूमि बेचने से आने वाला प्रॉफिट है, तो बचाइए अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया था, बोलोगे अब 10000 प्रॉफिट आया था सर, फर्नीचर बेचने कितना प्रॉफिट आया, 10000 का प्रॉफिट आया। अब मैं गुडविल निकाल रहा हूँ तो बेटा मैं फर्नीचर के बिजनेस की गुडविल निकाल रहा हूँ ना, ज़मीन की तोड़ना निकाल रहा हूँ, तब क्या बोलोगे, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट इसलिए लेते हैं, गुडविल निकाल करके आगे साल में होने वाले रेपुटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि 10000 के रेपेट होने की चांसेस हैं, ये बिल्डिंग ये लैंड जो अपन सेल आउट कर रहे हैं ये बार बार नहीं करेंगे, ये तो इस साल की बात थी। तो हमें जो कैलकुलेशन के लिहाज से जो लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, सर 10000 ही लेना चाहिए हमको, लॉजिक वाइज यही लेना चाहिए, बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा कुछ उल्टा सुलटा शामिल है उसको हटाओ आप, और आपको प्योर एक बिजनेस का प्रॉफिट लेना है। तो कैसे कैलकुलेशन करूँगा, ईयर 2009, 10, 11 और 12, ये आपके 4 साल हो गए, ठीक है। देन आप सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखिए, इस साल में कितना प्रॉफिट है, सर 16000 का प्रॉफिट है, अगले साल कितना है बेटा, 14000 का प्रॉफिट है, उससे अगले साल का है 3000 का लॉस है, क्या है, 3000 का लॉस हो गया मुझे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, लॉस है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है, ठीक है। 20000 लास्ट वाले साल में क्या है, 20000 का प्रॉफिट, ठीक बात है, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमसे सिंपल और कुछ ना होता और ये क्वेश्चन के अंदर ये झमेला ना होता तो हम क्या करते हैं, भाई 4 साल का औसत करना है ना, तो क्या करते, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ते, 4 का भाग देते, औसत निकल जाता, औसत को 3 से मल्टीप्लाई करते, गुडविल आ जाता। लेकिन हमको पहले इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद औसत करेंगे अपन इसका, इसका एवरेज कब निकालेंगे, पहले इसको ठीक करो आप, ये गलत है, ये सही नहीं है, यानी कि बिजनेस का निकालना है, इसके अंदर अगर कुछ उल्टी पुल्टी बातें शामिल हैं तो उसको ठीक करो। देखो ज़रा कैसे, हमने बोला ज़मीन बेचने से 6000 का प्रॉफिट है वो शामिल है, ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो ना आप, इसमें शामिल है मतलब माइनस कर दो आप, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज़मीन बेचने से इतना, 6000 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, इनमें तो कुछ आएगा नहीं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब भैया अगला पॉइंट पढ़ते हैं ज़रा क्या है, अगले पॉइंट में है 2010 में कितना प्रॉफिट हुआ, 14000 का प्रॉफिट हुआ, क्या बोला, मशीन विक्रय पर हानि के 5000 रुपये शामिल है। इस 2010 में हमने एक मशीन बेची थी, ऐसा होता ना कि अपने मशीन परचेज की, मशीन हमारी फिक्स सेट है, हम मशीन बेचने का बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस किसका कर रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो मशीन हमारी फिक्स सेट थी, हमने मानो बहुत साल पहले परचेज की थी, अभी वो पुरानी हो गई, उसको बेच के मुझे नहीं लेनी है, उसको जब मैंने बेचा तो उसमें 5000 रुपये का मुझे क्या हो गया बेटा, हानि हो गई, लॉस हो गया, अब वो लॉस इसमें शामिल है। अब मैं कोई बात बताओ, 14 का फाइनल प्रॉफिट है, बिजनेस में प्लस माइनस किया, प्रॉफिट लॉस सब माइनस कर दिया, लॉस है तो माइनस किया होगा ना मैंने पहले, भाई लॉस है तो मैंने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा लॉस को, तो ये 5000 का लॉस अगर मुझे ना होता तो मेरा बिजनेस का प्योर प्रॉफिट कितना होता वो बताओ आप ज़रा मुझे। अगर ये 5000 का लॉस मुझे ना होता तो मेरे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट कितना होता, आप कहते कि सर 14000 मेरा 5000 माइनस करने के बाद का है, लॉस माइनस करते हैं ना अपन, तो अगर मुझे 5000 का लॉस ना होता तो मुझे 19000 का प्रॉफिट था, यानी कि मेरे बिजनेस में था क्या एक्चुअल में,
19,000 का प्रॉफिट था, फिर मैंने मशीन बेची तो 5,000 का लॉस हो गया, इसलिए मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 14 का ही बचा, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट कितना था, 19 था, तो मुझे इसको जोड़ देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, एक मशीन को सेल करने से होने वाला लॉस मैंने माइनस कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया, ठीक है, तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, या ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया, इसको प्लस में लिख दिया, आगे इसका इफेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं। 2011 में मुझे लॉस हुआ 3,000 का, क्या लिखा हुआ है, आग से हानि 23,000 रुपये शामिल है बेटा, 2011 में पता क्या हुआ, आग लग गई, ठीक है ना, आग लग गई, तो आग की वजह से क्या हुआ, 3,000 का अल्टीमेट लॉस हुआ, आग की वजह से तो 23,000 हुआ, लेकिन बिजनेस का अल्टीमेट लॉस कितना हुआ, 3,000। आप निकालते ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो आप, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करते हो, यहां पर लॉस ऑन लॉस बाय फायर भी तो लिखते हो ना लॉस बाय फायर, तो कितना लिखा, 23,000 लिखा, उसकी वजह से क्या हुआ, टोटल माइनस में चला गया और 3,000 का लॉस हो गया। तो सोच के देखो जरा, अगर ये ना होता तो मेरा बिजनेस का प्योर प्रॉफिट कितना होता, ये तो क्या है, एक तरह से असामान्य हानि हो गई ना, असामान्य नहीं समझते हो आप, असामान्य मतलब जो सामान्य प्रकार की हानियां नहीं है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में सामान्य और असामान्य लाभ और हानि क्या होती है, ठीक है ना, और अपन यहाँ पे बार बार पढ़ते रहेंगे, लेकिन आग बार बार लगती नहीं तो सामान्य नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है, असामान्य नेचर का है, सिंपल सी बात है। तो आप सोचिए जरा, अगर मुझे 23,000 की आग नहीं लगती, ठीक है ना, 23,000 की आग नहीं लगती तो फिर क्या होता, क्या मेरा 3,000 का लॉस होता, नहीं सर, मुझे 20,000 का प्रॉफिट होता। आप सोच के देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ ऐसे, ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है 20,000 का प्रॉफिट है, अब इसमें से मैंने 23,000 माइनस कर दिया, 20 में से 23 माइनस कर दिया मैंने, तो 3,000 माइनस में चला गया ना, तभी तो दिखा रहे हैं यहाँ पे 3,000 माइनस में, 23,000 का लॉस ना होता तो क्या होता, 20,000 का प्रॉफिट होता, समझ रहे मेरी बात को, इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब वो माइनस का है तो मैं इसको क्या कर दूँगा, उसके अंदर माइनस कर दूँगा, ये माइनस की संख्या, मतलब माइनस माइनस साइन समझ में आता है ना आपको, ठीक है, तो क्या है अपना ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर प्लस करूंगा कितना, 23,000, ठीक है, ओके जी, तो सिंपल बात है, कितना 20,000 का मुझे क्या हो जाएगा फिर प्रॉफिट, अगर आग नहीं लगती तो मेरे बिजनेस में नॉर्मली 20,000 का प्रॉफिट था, लेकिन आग की वजह से क्या हुआ, 3,000 का लॉस में चला गया मैं, तो मैं तो बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, क्या हर बार आग लगेगी, नहीं, ठीक है ना, तो रिपीटेशन किसके चांसेस हैं, 20,000 के ज़्यादा चांसेस हैं, इसके नहीं है, ठीक है, आइए जरा आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्या, 2012 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्या लिखा हुआ है, असामान्य लाभ 5,000 रुपये शामिल, अब जैसे ये असामान्य हानि थी ना आपकी, वैसे असामान्य कोई भी लाभ हो गया किसी तरह से, लाइक आपने जुआ वगैरह खेल लिया, घोड़े की दौड़ में पैसे लगा दिए, इस तरह से कुछ कर लिया, तो उससे आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, आप सोचे 5,000 का प्रॉफिट ना होता, अभी टोटल प्रॉफिट कितना है, 20 का, टोटल प्रॉफिट का मतलब है बेटा फर्नीचर बेचने से प्लस ये जो कमाया 5,000, वो दोनों मिलाकर के, ये बार बार ये सब कुछ मिलाकर के ही है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 20 में से 15 का तो है फर्नीचर के बिजनेस से और 5,000 है असामान्य, तो हमको तो बिजनेस का प्रॉफिट लेना ना, ठीक है, तो क्या करेंगे 20 में से 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो लास्ट में फिर क्या बोलूंगा मैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहाँ जाऊंगा, लास्ट वाले साल में 5,000 का माइनस कर दूंगा, ठीक है, अब सब कुछ एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, ये सोलह नहीं, ये 10 होना चाहिए था, ठीक है, तो मैंने लास्ट में लिखा 10, ठीक है, इसके बाद में ये 14 नहीं, ये कितना होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था, बिजनेस के हिसाब से ये 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था,
ये 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है, ये सब ये होना चाहिए था। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये जो प्रॉफिट है यही तो फ्यूचर में मेंटेन होने के चांसेस हैं, यही तो फ्यूचर में आगे जाने के चांसेस हैं, जिसमें से मैंने बेकार की बातें हटा दी जो बार बार रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक नाम दूंगा, इंग्लिश में लिख दूं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP, भविष्य में मेंटेन किए जाने वाले लाभ की गणना। तो ये प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में मेंटेन होने वाले हैं, ठीक बात है। अब हमको इनका एवरेज करने के बाद में फिर आगे काम स्टार्ट करना चाहिए, इनका एवरेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अभी एक बार वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल लिख लेना, उसको ठीक से पढ़ना, उसके बाद में फिर इसको ठीक से पढ़ना। और अब तो सिंपल काम वो कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से, अब मैं निकालूंगा अपने पास औसत। औसत कैसे निकालोगे भाई, 10,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000 और प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई, 4 साल का है तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 16,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला लिख के काम करना हमेशा, क्या है, औसत लाभ गुणा वर्षों की क्रय संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो कितना हुआ, 16,000 × 3, 48,000 का आ गया गुडविल। सिंपल है, तो काम तो वही है कि एवरेज ही करना था अपन, पहले इसका एवरेज करते थे, ये हमको पता नहीं था, अब ये सब पता है, इसको एडजस्टमेंट करो, फिर जो निकला उसका एवरेज करके काम करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सिंपल है। अब हमारे पास एक क्लास और लगेगी गुडविल की कैलकुलेशन पे, उसके बाद में हम आगे अकाउंट्स पे यानी कि एंट्रीज पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आपके लिए आज इतना बहुत है, धन्यवाद।